वेलकम बैक कृष्णा इलेक्ट्रिक कोड सेंटर में फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है दोस्त। आज हम लोग इस नए वीडियो में सीखने वाले हैं 2 5 पिन सर्किट रहेगा, 2 स्विच रहेगा, इसका बोर्ड वायरिंग कैसे किया जाता है इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। 2 5 पिन सर्किट, 2 स्विच रहा, ये हमारा बोर्ड रहा दोस्त। इसमें हम लोग 2 5 पिन सर्किट फिट करेंगे, 2 स्विच फिट करेंगे और इसके बाद हम लोग इसमें कैसे वायरिंग करते हैं और टोटली हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले इसको मैं इसका अंदर सर्किट लगा लेता हूँ। ये 5 पिन सर्किट, ये हमारा 5 पिन सर्किट रहा, इसके अंदर 2 स्विच लगाते हैं। ये हमारा स्विच रहा, इसके बाद हम लोग इसमें फटाफट इसको टाइट हो गया है दोस्त, देखिए ये हमारा तैयार हो गया बोर्ड टाइट होके। ये हमारा बोर्ड रहा, देखिए दो सॉकेट, 2 5 पिन सॉकेट, 2 स्विच। अभी इसका हम लोग दोस्त सबसे पहले डायग्राम में समझते हैं इसका वायरिंग कैसे किया जाता है। ये हमारा डायग्राम रहा दोस्त, 2 5 पिन सर्किट, 2 स्विच रहा और इसको सबसे पहला था दोस्त क्या जरूरी है, एक फेस का जरूरी है दोस्त। ये हमारा फेस और इसके साथ साथ दोस्त हमारा क्या लाएगा दोस्त, इसके साथ साथ में इसको न्यूट्रल का भी जरूरी रहता है, हमारा न्यूट्रल आया। अब फेस का दोस्त क्या करना है, जो स्विच है स्विच का नीचे वाला हिस्सा दोस्त, ये नीचे वाला हिस्सा में आपको दोनों को शॉर्ट कर देना है बराबर। और उसके बाद दोस्त ये हमारा न्यूट्रल है, एक जगह में देखिए दोस्त यान रहेगा, एक जगह है दोस्त यान रहेगा। एल और एन का मतलब होता है दोस्त, एल का मतलब लाइन फेस, एन का मतलब न्यूट्रल होता है दोस्त। अभी दोस्त ये हमारा क्या करने वाले, ए वाला स्विच से दोस्त ए वाला 5 पिन सर्किट को ऑपरेट करने वाला है हम लोग, ए वाला स्विच से ए वाला 5 पिन सर्किट को ऑपरेट करने वाले हैं। और कभी भी दोस्त हमेशा ये जो बोर्ड का वायरिंग करेगा फेस जो है हमेशा राइट का तरफ में रहेगा स्विच से दोस्त, इसको यहाँ से वायर इधर करना है, इसमें देना है। ए वाला से क्या करेंगे, ए वाला ऑपरेट करेंगे हम लोग, तो ए वाला स्विच से हमको इधर देना है। ये हमारा हो गया, हमारा फेस पहुंच गया है, ये रहा फेस का लाइन, ये रहा हमारा न्यूट्रल, न्यूट्रल भी हम लोग तो इसको यहीं से इधर कर देते हैं और इसको इधर से लूप करके दोस्त इसको इसमें दे देते हैं। दोनों में न्यूट्रल पहुंच गया दोस्त दोनों। अभी हम लोग को इसमें अगर वो अर्थिंग का लाइन आया रहता दोस्त, अर्थिंग भी इसमें देना है दोस्त और इसी को इधर देना है दोस्त। देखिए हमारा अर्थिंग भी पहुंच गया है, बोर्ड अर्थिंग, न्यूट्रल भी पहुंच गया है दोस्त, फेस भी पहुंच गया है। ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अभी ये हम लोग दोस्त इसको सेम हम लोग इसको बोर्ड को वायरिंग करते हैं। सबसे पहले दोस्त ऐसा एक तार का टुकड़ा छीन के इसको आपको ये जो नीचे वाला हिस्सा है दोस्त, ये नीचे वाला दोनों को शॉर्ट कराना है, हो गया। ये दोनों को अच्छा से टाइट करिएगा दोस्त, कोई भी इलेक्ट्रिक का काम करिएगा, ढीला नहीं छोड़ना है। ये हमारा देखिए नीचे वाला हिस्सा में हो गया, ये नीचे वाला हिस्सा ये वाला हो गया। ए वाला स्विच से हमको ए वाला ऑपरेट करना है दोस्त, ए वाला स्विच से हमको ए वाला ऑपरेट करना है। अभी देखिए दोस्त इसको
क्या करना है, ये ऊपर वाला हिस्सा को दोस्त यहाँ पर एक सुई के ऊपर वाला हिस्सा में ये वायर को टाइट कर देना है। हो गया, इसको क्या करना है दोस्त, एल लिखा है दोस्त, इससे इसमें दे देना है, इस पर नीचे देके अच्छा से लगा के इसको तो ऐसा टाइट कर देना है। ये भी हो गया दोस्त, सेम आपको क्या करना है दोस्त, दूसरी जगह भी सेम करना है, ये स्विच का ऊपर वाला हिस्सा में दोस्त ये हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, एल लिखा रहेगा दोस्त, सेम सेम जो एल लिखा है दोस्त, इधर एल लिखा है, इधर लिखा है दोस्त, ये देखो राइट साइड में हमेशा ये देखिए, इसको इधर लिखा है, इसको इधर, ये देखिए एल का जगह आप इसको हम लोग दे देंगे। ये हमारा फेस का कनेक्शन हो गया। अभी हम लोग को क्या करना है दोस्त, न्यूट्रल का क्या है दोस्त, ये जो एक यहाँ देना है एक यहाँ पर देना है, सेम देखिए दोस्त, एक यहाँ पर देना है एक यहाँ पर देना है, ये देखिए मैंने पहले से कट के रखा हूँ दोस्त। हम लोग को क्या है, ये न्यूट्रल का जरूरी है, देखिए ये जो न्यूट्रल जैसे आया है एन ए एन ए एन ए एन, चलिए इसको यहाँ पर टाइट कर देते हैं। न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया दोस्त, ये देखिए ए न्यूट्रल ए न्यूट्रल ए न्यूट्रल ए न्यूट्रल ए फेस ए फेस ए फेस ए फेस। चलिए अभी क्या है दोस्त, अभी इसको बोर्ड का अर्थिंग का जरूरी है, अर्थिंग का भी क्या करें दोस्त, जो ऊपर वाला हिस्सा है दोस्त अर्थिंग का, इसको यहाँ पर दे देंगे, ठीक है, उसको हम लोग टाइट कर देंगे। हो गया दोस्त, ये जो इसको इधर देके टाइट कर देंगे, फिर से एक बार देख दोस्त समझ लीजिए, ए स्विच से ए वाला सर्किट ऑपरेट होएगा, ए स्विच से ए वाला सर्किट ऑपरेट, ए स्विच से ए वाला सर्किट ऑपरेट होएगा, ए स्विच से ए वाला सर्किट ऑपरेट होएगा। ये देखिए ये जो फेस है, फेस नीचे वाला टर्मिनल दोनों को सर्ट कराना है ऐसा, ये ऊपर से एल का जगह में कनेक्शन देना है, ये ऊपर से ए वाला एल का जगह में कनेक्शन है, ये न्यूट्रल दोस्त ये एन का जगह में देना है, सेम एन का जगह ए एन ए एन, और अर्थिंग का दोस्त अर्थिंग आपका आए आ रहेगा तो देख ए वाला ऊपर वाला टर्मिनल में ये दे दोगे ऊपर वाला टर्मिनल, ये हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग इसको कनेक्शन सही है नहीं है हम लोग चेक कर लेते हैं। यह हमारा कवर रहा, ये हमारा तीन वायर रहा दोस्त, ये आ गया। अभी आप लोगों को क्या करना है दोस्त, ये न्यूट्रल का जगह में दोस्त, ये न्यूट्रल है दोस्त, न्यूट्रल का जगह में आपको ये ब्लैक न्यूट्रल को कर देना है एक साथ में, इसको इसमें देके टाइट कर देना दोस्त। न्यूट्रल का जगह न्यूट्रल हो गया दोस्त, ये हमारा फेस हो गया दोस्त, फेस आप ये देखो दोस्त, ये स्विच बोर्ड है, ये जो आप दोनों टर्मिनल का कोई भी ये वाला भी में भी ये वाला कोई भी आप एक जगह में देखिए, आप इसको अच्छा से इसको देखिए हो गया दोस्त। अभी हमारा ये जो बचा एक क्या बच्चा हम लोग को, ये अर्थिंग का, अर्थिंग का क्या करेंगे दोस्त, ये दोनों में कहीं भी एक का साथ में इसको अटैच कर देंगे। चलो हम लोग इसमें कर देते हैं, ये हमारा दोस्त कंप्लीट वायर हो गया, ये ब्लैक वाला वायर को देखिए दोस्त, ब्लैक वाला वायर के साथ में कनेक्शन करना है, ये येलो वाला दोस्त ये नीचे वाला जो फेस है ये नीचे वाला में कनेक्ट करना है, ये हमारा रहा ये अर्थिंग का तार, ये हमारा ये ऊपर वाला में कहीं भी आप लेने को दे सकते हैं। चलिए दोस्त इसको हम लोग फटाफट बंद करते हैं।
देखिए दोस्त, ये हमारा बोर्ड बनके तैयार हो गया। ऐसे आप भी दोस्त घर में आसानी से आपका पावर बोर्ड बना सकते हैं, एक्सटेंशन बोर्ड बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है दोस्त, आप आसानी से बना सकते हैं। ये मार्केट से दोस्त अच्छा चलेगा, लॉन्ग लाइफ रहेगा और अच्छा भी रहेगा। चलिए दोस्त इसको हम लोग टेस्ट करके देखते हैं हमारा कनेक्शन सही हुआ है नहीं हुआ है। देखिए ये दोस्त फेस राइट की तरफ आया है, लेफ्ट में नहीं आना चाहिए दोस्त कभी भी, इस साइड में फेस नहीं आना चाहिए। अगर इस साइड में आप फेस आ रहे तो आपका, नहीं तो जो बोर्ड जो मिड बोर्ड का है, घर का वायरिंग है, उल्टा कनेक्शन हो रहा है, नहीं तो आपने गलत वायरिंग किया है। हमेशा फेस राइट का तरफ में आना चाहिए। देखिए लेफ्ट में नहीं कर रहे, इसका मतलब हमारा कनेक्शन सही है। चलो हम लोग तो इसको यूज भी करके देख लेते हैं, है बराबर नहीं। अभी देख लो दोस्त, अगर हमारा ये कनेक्शन सही रहता हमारा ये लाइट जलेगा। ये देखिए दोस्त लाइट जल गया, इसका मतलब है दोस्त हमारा कनेक्शन सही है। देखिए लाइट जल रहा है, ये हमारा वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। इसका मतलब ये देखिए दोस्त हमारा पानी भी गर्म होने चालू हो गया है, इसका मतलब दोस्त हमारा ये बोर्ड का कनेक्शन पावर बोर्ड सही हिसाब से बन गया है। चलिए दोस्त आप लोग को ये वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जय हिंद।